नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। हमारे साथ आरजेडी के राजा पाकड़ से विधायक शिवचंद्र राम हैं। शिवचंद्र राम जी आरजेडी में एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं, बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने अभी से ही हाजीपुर से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, लोकसभा चुनाव। शिवचंद्र जी, मेरा पहला सवाल तो यही होगा, हाजीपुर से वर्तमान में रामविलास पासवान सांसद हैं और रामविलास पासवान के सामने, या फिर यूं कहें तो उनके पास जैसा माल है, जितना माल है, उसके सामने आप कहाँ टिक पाएंगे? देखिए, रामविलास पासवान जी से तो इस सवाल उनसे भी करिएगा, जब 77 में चुनाव लड़े थे तो हाजीपुर के लोगों ने कुर्ता पजामा उनको सिलाने का काम किया था, उस समय उन्होंने रिकॉर्ड मोड से जीतने का काम किया था। और रही बात कि लालू प्रसाद यादव का, जिसका आशीर्वाद माथे पर सवार हो, वहाँ पैसे की क्या जरूरत हो? लालू प्रसाद यादव का स्नेह प्यार, तेजस्वी यादव जी का विचार जिसके साथ हो, उसको पैसे की जरूरत है? और रही वैशाली का बेटा शिवचंद्र राम पहली बार चुनाव लड़ेगा, उनके खिलाफ में अगर वैसी अगर पार्टी अगर माने पार्टी ने अगर माने तहे अगर टिकट देती है, अगर उस तरह का गठबंधन में अगर सीट चला जाता है आरजेडी को, तो अगर लड़ते हैं तो उस तरीका से लालू प्रसाद यादव जी का विचार और सामाजिक न्याय की जीत होगी। और रही बात की रामविलास पासवान जी की माल की बात आप करते हैं, शिवचंद्र राम सिर्फ वैशाली का बेटा होने के नाते लोगों से अपनी दामन फैला कर करके एक वोट एक नोट मांगेगा, लोगों को कहने का अभिवादन करेगा, जरूरी पड़ा तो मान के चलिए कि लोगों के सुख दुख में रहने का वादा करने का काम करेगा, हमेशा मिलने की काम करेगा। और माल के जीत में, माल से आती जीत होती है, माल माले रह जाएगा, या क्योंकि लोग वोट वोट दे करके लोग चले जाते हैं। अगर माल के ही अगर बात होती तो बड़े बड़े टाटा बिरला और कहने का मतलब अनानी और मनवानी भी वो बड़े बड़े पद पर पोलिटिकल पद पर होते। पोलिटिकल पद के लिए मान लेते हैं कि समाज सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जनमत की जरूरत है, लोगों का विचार की जरूरत है, लोगों की सोच की जरूरत है, लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। जनता अगर आज के डेट में जान रही है कि हमारे सुख में दुख में कौन रहेगा, कौन हमारा विचार को सुनेगा, कौन, हम तो पहली बार नहीं है, हम तो तीसरा बार MLA है, पूरे हाजीपुर के लोग इस चीज़ को जानते हैं, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे किस विचार का हूँ, किस सोच का हूँ। हर जाति हर समुदाय के भी जो जिसने बुलाया उसके दरवाजे पर जाने का काम करता हूँ, उसका सुनता हूँ, हमारा यही पूंजी है। ये यही पूंजी के सामने इनकी सारा माल माले रह जाएगा, कहीं कुछ इनकी चलने वाला नहीं। इतना तो मानेंगे ना कि आपसे ज़्यादा पैसा है पासवान जी के पास? ओह, पैसा पैसा रह जाएगा। जिस समय, कहने का मतलब ये ना करिए कि जिस समय वो 77 में लड़े थे, पजामा कुर्ता और मान लेते हैं कि चप्पल तक हाजीपुर के लोगों ने किया था, उस समय रिकॉर्ड मोड से जीते थे। हाजीपुर की वो जनता है, हाजीपुर अक्षयवट राय की धरती है, बेचन शर्मा जी की धरती है, वहाँ सोशलिस्टों का धरती है, वहाँ पैसा तैसा का महत्व नहीं है। बड़े बड़े लोग आए थे उस समय भी इनके खिलाफ में चुनाव लड़ने वाला, बड़े पैसे वाले कांग्रेसी सरकार के जो लोग थे, लेकिन कहाँ कुछ हो सका, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ के लोगों की विश्वास, कितना विश्वास उन्होंने जीता है और मैं कितना विश्वास जीता हूँ, ये तो उस दिन पता चलेगा ना। माल माले रह जाएगा, माल के क्या बात करते हैं, माल कहने का मतलब ये प्रणाम से ज़्यादा कर जोड़ कर करके पैर पकड़ करके करना, इससे बड़ा माल कुछ भी नहीं है। इस हाथ जोड़ने के सामने जो है कि सारा माल जो है कि बेकार चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। श्री शिवचंद्र राम राजापाकड़ से विधायक आरजेडी के नेता हैं, इनका कहना है कि जो रामविलास पासवान के पास में पैसा होगा वो पैसा धरा का धरा रह जाएगा और चुनाव में जीत के लिए जो है लोगों के आशीर्वाद की जरूरत होती है, मतदाताओं के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और ये पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जो हाजीपुर के मतदाता हैं, अगर शिवचंद्र राम को आरजेडी की तरफ से वहाँ पे अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की लिए टिकट मिलता है तो वहाँ के मतदाता जो हैं इन्हें आशीर्वाद देंगे और रामविलास पासवान के पास जो पैसा है या उनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। लाइव सिटीज़ के न्यूज़ रूम से मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही, नमस्कार।